हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि स्वागत करता हूं हमारे चैनल कनेक्टो में। आज हमारा ग्रुप जा रहा है उत्तरकाशी और एक काफ़ी मशहूर पर्यटक स्थल है करतांग गली और नैलोंग गली। तो आज हम आपको वहां लेके जा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं देहरादून से ऋषिकेश और टिहरी के इस टी पॉइंट में। ये जो सड़क है ये जा रही है टिहरी जनपद के लिए और यहीं से हमने जाना है उत्तरकाशी के लिए, जो कि यहाँ से 167 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। जो एक जगह है ये बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम है रत्नगाढ़, और ये कि यहाँ पर जो ये होटल है बहुत ही फेमस है खाने के लिए। चलिए हम चलते हैं और होटल में। अंकल जी कैसे हैं और क्या क्या मिलेगा यहाँ पर खाने के? क्या बोलते हैं, आलू गोभी सब्जी है, हाँ जी, कड़े पकौड़े है और रोटी है, चावल है, राजमा दाल मखनी 80 रुपये थाली। अच्छा, 80 रुपये थाली आपके यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आ चुका है खाना और मंगाए गए पराठे हमने। खाने का स्वाद देते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक बहुत सुंदर सी जगह चिन्याली सौर। तो आप देख सकते हैं ये है नदी के ऊपर चिन्याली सौर का ये शहर। दोस्तों, नैलोंग घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नैलोंग गाँव के आसपास का क्षेत्र है, जो उत्तरकाशी से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नैलोंग घाटी का व्यू और उसका क्लाइमेट काफी हद तक लद्दाख स्पीति घाटी से मिलते जुलते हैं, जिस वजह से नैलोंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, तो कोई इसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहता है। नैलोंग घाटी एक इनरलाइन एरिया है जो कि भारत चीन बॉर्डर पर पड़ता है। बता दें कि 1965 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और सेना और ITBP के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर पर्यटकों के लिए केवल दिन में जाने की अनुमति है, क्योंकि यहाँ घाटी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है, इसलिए इस क्षेत्र के 25 किलोमीटर के भीतर रात में ठहरने की अनुमति नहीं मिलती। 2015 में पर्यटन के लिए इसे फिर से खोला गया और तब से यहाँ पर्यटकों की पसंद बन गई और इन्हीं खूबियों की वजह से यहाँ घाटी पर्यटकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुकी है। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें जिस लोकेशन में है ये है गंगनानी। कल रात काफ़ी देर हो चुकी थी जिस कारण से हम लोग यहाँ गंगनानी में स्टे किया हमने। ये हमारा होटल है, आप देख सकते हैं ये होटल है हमारा। और कल रात हम काफ़ी देर हो चुका था हमें यहाँ आने पर। गंगोत्री और जो आपका उत्तरकाशी के बीच में एक फेमस जगह पड़ती है गंगनानी, तो हमने यहाँ पे स्टे किया है जहाँ पे निकलता है गर्म पानी का स्रोत, यानी यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है। नीचे भागीरथी नदी पूरे वेग में चल रही है अपनी, काफ़ी साउंड आ रहा है यहाँ पे। पहाड़ों पे सूरज की पहली रोशनी पहुँच चुकी है। तो ये है गंगनानी। अगर आप कभी गंगोत्री के लिए आ रहे हैं यहाँ पे और अगर आपको स्टे करना है तो इस मार्केट में होटल्स हैं कुछ, तो यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। साथ में अगर आप गंगोत्री जाते वक्त अगर आपको गर्म कपड़े लेने हो तो ये सारी मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लगी हुई है यहाँ पर गर्म कपड़ों के लिए। तो काफ़ी अच्छी और फेमस जगह है, कभी आए तो यहाँ पर जरूर रुके और जो गर्म कुंड है उसमें स्नान जरूर करें। तो हम भी चलते हैं गर्म कुंड की ओर। फ्रेंड्स, गर्म कुंड की ओर अभी हम जा रहे हैं और ये होटल है हमारा जहाँ हमने स्टे किया था नाइट को। तो देखिए ये रास्ता है यहाँ से गर्म कुंड जाने के लिए। गंगोत्री जब भी जाते हैं तो श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही रुकते हैं यहाँ पर और इस गर्म कुंड में स्नान करते हैं। ये प्रकृति की एक अनमोल देन है हमारे लिए कि ये गर्म कुंड भी इस रास्ते में हमें मिल रहा है। तो जब गंगनानी आए तो ज़रूर यहाँ पे आप आएँ और स्नान ज़रूर करें यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गर्म कुंड का स्रोत है
और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये देखिए, तो ये और ये गर्म पानी का स्रोत है, प्रकृति के अनमोल देन यहाँ पे हमें मिली है। तो ये आप देख सकते हैं गर्म पानी है, तो जो श्रद्धालु है वो आते हैं और रुकते हैं यहाँ पे। तो गंगनानी का एक फेमस गर्म कुंड है, जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर गंगनानी में अभी स्नान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मार्केट यहाँ पे लगी हुई है, पूरा गर्म कपड़ों का ये मार्केट है यहाँ पे। और कभी भी आप अगर गंगोत्री को ले जाएं या आप बाहर से आ रहे हैं अपने स्टेट जाएं, तो गर्म कपड़े यहाँ पर जरूर लीजिए, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको यहाँ पर गर्म कपड़े मिल जाएंगे। गंगनानी से चलते ही हम पहुंचे डबरानी, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी में है, जो हरसिल और गंगनानी के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, जहां आपको डबरानी की खूबसूरत घाटी और पहाड़ों से गिरते झरने का सुंदर दृश्य मिलेगा, जहां आप रुककर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अभी नैलोंग घाटी में, और ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये रास्ता जाता है गंगोत्री के लिए और ये जाना है नैलोंग के लिए। यहाँ पे हमारा वन विभाग का ऑफिस, यहाँ हमारा जो परमिशन लेटर है नैलोंग जाने का वो यहाँ पर चेक होगा, इसके बाद उनकी तरफ से जब हमको वेरीफाई हो जाएंगे फिर उसके बाद हमें नैलोंग घाटी को जाने को मिलेगा। तो अपना परमिशन चेक करवाते हैं पहले, फिर हम नैलोंग घाटी को देखेंगे। नैलोंग घाटी आने के लिए आपको उत्तरकाशी जिला मैजिस्ट्रेट भटवाड़ी से परमिशन लेनी होगी, जो कि उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर है, और इसके बाद आप भैरव घाटी की यात्रा करेंगे, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा परमिशन चेक होगा। यहां आपको 300 रुपये पर हेड पे करना होगा और 250 रुपये फोर व्हीलर के पे करने होंगे, जिसके बाद आप नैलोंग वैली या नैलोंग गाँव जो कि 23 किलोमीटर है वहाँ जा सकते हैं। ये परमिशन आपका नैलोंग पोस्ट तक ही वैलिड होता है। जादुंग विलेज जाने के लिए आपको डीएम से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो नेक्स्ट ईयर हम आपको लेकर जाएंगे जादुंग विलेज, और अब चलते हैं करतांग गली, जो कि यहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में है।